अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हुसैन, आप देख रहे हैं यंबो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको विजिट कराने लगा हूं केले के बागात का। यहां पे केले के बहुत ज़्यादा बाग हैं, बेश में केले और आम की वजह से बेश मशहूर है। तो अभी हम चलते हैं वहीं पे, आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह यहां पे कैसे लोग जो है ना केले के बागों में काम करते हैं। ये जी मैं पहुँचूँ इनके मजरे में, तो ये हमारे साथ हैं अहमद यूनस फेनक मिन यमन वाला बंगला यमानी। ये यमनी भाई हैं जी, ये यहाँ से क्या नाम है यमन से हैं, तो यहाँ पे ये रहते हैं। ये यहाँ पे ये जो बाग हैं क्या नाम है केले वगैरह के जो बाग हैं ये संभालते हैं और इनको पानी वगैरह देने के तकरीबन ये 20 से 25 एकड़ में है, लेकिन ये सिर्फ दो बंदे हैं इन्होंने रखे हुए हैं। ये अभी मौसम इनका शुरू तकरीबन दो महीने तक फिर केला स्टार्ट हो जाएगा तो ये काम वगैरह शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह ये हमने यहाँ पर बैठ के इनसे सारा हाल अवल किया, यानी गिर गिर की रहा आई जी हर नफर कोई है इसकी चल आना मिन गुल मिन उर्दू अंत अयश है मुश्किल हाँ आई दी ये बोलते हैं आई दी कुल्लू शे आई दी शादा या शेख आई दी यानी माँ भी मुश्किल है। हाँ आना मालूम आना मालूम आना मालूम आना सभी मस्करा की रहा गुरफा वगैरह है रूम वगैरह है यहीं पे पीटर वगैरह ये सारी टर्बाइन वगैरह लगी हुई है। ये इनका सारा समझ ले मजरा वगैरह है, यहाँ पे पपीते वगैरह भी हैं कुछ, लेकिन केले के बागात माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा। घास वगैरह काटा हुआ सारे हमारे पाकिस्तान जैसा जैसा माशाल्लाह माहौल होता है वैसा ही है सारा। ये देखने अब घाट घास काटने के लिए जा रहे हैं, बता रहे हैं। चलो दीवा शुक्रिया बहुत ही अच्छा माहौल है, जैसे हमारे गांव में वहां पे देहातों में हमारे पर होता है वैसा ही माहौल है माशाल्लाह बहुत ही। ये जी ने मेरे मोबाइल से कॉल की अपने कफील को कि आओ जी मैंने घास काट लिया तो आओ घास ले जाओ। अभी ये इसका कफील आया है तो ये जो है ना लेके जा रहा है घास डाल रहा है गाड़ी में यहाँ से। ये अभी जैसे हमारे पाकिस्तान में पानी वगैरह लगाते हैं यहाँ पे भी वैसा सिस्टम है, इन्होंने भी बोर किए हुए हैं और मोटरों पे लगाए हुए हैं तो कुछ इंजन पे लगाया हुआ है। देखें ये मेरे पीछे आप ये डीजल की टैंकी पड़ी हुई है इनकी, यहाँ पे ऐसे लोग रखते हैं डीजल, हमारे लोग तो 5-5 लीटर भरवा के लाते हैं। तो ये देखिए ये टैंकी पड़ी पीछे, ये इनका पीछे फीटर वगैरह लगा हुआ है और साथ में मोटर भी है अगर बिजली वगैरह को लगाना चाहे या डीजल पर चलाना चाहे। लेकिन इनका ये जो पानी लगाने का सिस्टम है ये अंडरग्राउंड है, यहाँ से ये पाइप जा रहे हैं
इन्होंने कुछ एकड़ कनाल के हिसाब से बनाया हुआ है, इस तरह ये पानी लगता है। इनका पानी जाया नहीं होता इस ड्रिपिंग सिस्टम में। ये देखे मेरे पीछे जिम्मे थ्रे किए जाते ना सारा खूह है, ये खूत है सऊदी अरब खूह वाले मार का। लेकिन इतना की कह नहीं कि एक खूह पे दादा बंदे हो सन नाला इतना एक खूह पे एक ही बंदा हो सी दे हो गए तो भावे रात हो गए तू बेचारे अपनी ड्यूटी देवनी है तनख्वाह कितना है 1500 2000 मेरे एग्रीमेंट देवनी जेरे जेरे आते ना मदरे सटे ने उठे चोट कर देने यो काम होने लगा इतना ये देख लो इतना कुछ ज्यादा तगद वाला काम कह नहीं इतना माशाल्लाह वाले भी ये लोग से 25 एकड़ में ये बाग है। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बेच में आम और केले के केले की वजह से बेच बहुत मशहूर है। और भी हैं कुछ क्या नाम है यहाँ पे, वैसे तो सारे ही समझ लें ये ज़रात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ये जो है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है केले और इसकी वजह। ये देखें अभी इनके ये अभी देर तक महीना से डेढ़ या दो महीने भी हो सकते हैं तकरीबन इनको आने में देर, फिर ये इनको काटेंगे तो इनको जो है ना मार्केट में बेचा जाएगा। ये भी केले के बाग के अंदर आया वो माशाल्लाह। तो ये मैंने आपको बाग का विजिट करा दिया है, तो आप चलते हैं जी बाहर। तो आज का व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह जब इनका सीज़न शुरू होगा अगर मैं यहीं पे रहा बेच में तो फिर इंशाल्लाह आपको इनका दिखाएंगे कैसे पैकिंग वगैरह करते हैं, कैसे काम वगैरह करते हैं, सारा कुछ इंशाल्लाह।